नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ध्यानंद है। मेरा चैनल है डीआर टेक्नोलॉजी, जहाँ मैं टेक की वीडियो बना के हिंदी में अपलोड करता हूँ। और दूसरा चैनल है मेरा डीआर वर्टिकेटर, जहाँ मैं यूट्यूब से भी ट्यूटोरियल डालता हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी डीआर वर्टिकेटर और डीआर टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आज मैं डीआर टेक्नोलॉजी के लिए ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, जिसके अंदर देखेंगे कि अगर गूगल क्रोम आपका स्लो चलता है ना, तो उसको आप नॉर्मली फास्ट कैसे कर सकते हो, ताकि आपका गूगल क्रोम फास्ट चले और स्लो ओपन ना हो। इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, जब आप गूगल क्रोम ओपन करते हो या यूज करते हो ना, उसके बैकग्राउंड में कुछ ऐप्स ऑटोमेटिक चलता रहता है, उसको आपको ऑफ करना है। उसको ऑफ करने के लिए आपको सबसे पहले अपने गूगल क्रोम को ओपन करना पड़ेगा। और ये मेरा गूगल क्रोम का जो वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, आप भी अपने गूगल क्रोम का वर्जन चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, हेल्प में जाइएगा, अबाउट गूगल क्रोम पर क्लिक कीजिएगा। ये मेरा जो वर्जन है 62, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है, उसके बाद आपको नीचे आना है, फिर आप एडवांस पे क्लिक कीजिएगा, फिर आप नीचे आइएगा, नीचे आइएगा। ये देखिए सिस्टम के अंदर ना, कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स विथ वेन गूगल क्रोम इज क्लोज, इसको हमें ऑफ करना है, ठीक है। अब हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे ना, तो हमारा फास्ट चलेगा, और अगर हम कुछ काम भी करेंगे तो हमारा फास्ट ही होगा। तो इसको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। देखिए मैंने गूगल ओपन किया और ये इसकी रनिंग जल्दी ओपन होगी, और इसका हम कुछ काम भी करेंगे तो जल्दी ओपन होगा ये। अब तुम्हें दोबारा बताया, तो इसको कहाँ से ऑफ करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है, उसके बाद एडवांस पे क्लिक करना है, और नीचे आपका सिस्टम है ना, तो कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज, इसको ऑफ करना है, ठीक है। और आपके गूगल क्रोम का एक बार अपना वर्जन चेक कर दें, क्योंकि ये नया वर्जन है तो ये सेटिंग उसी के अंदर आ रही है, तो आप अपना वर्जन चेक कर दें। अगर आपका पुराना वर्जन है तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट भी पूछेगा, उसका मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। बट जाते जाते आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारी डीआर टेक्नोलॉजी को और डीआर वाइटी क्रिएटर को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेके, तब तक के लिए बाय।